हे वीर बाला, तुझे सलाम। कहानी है एक आदिवासी बाला मेरी बर्नादेत की, जो है ईश सेविका और है संस्थापिका संत अन्ना की पुत्रियों के धर्म संघ रांची की, एक विभूति छोटा नागपुर की। डर नहीं था उसे हथियारों शस्त्रों के प्रहार का, पास उसके थे जो कुछ खास औजार, आत्मा की तलवार जिससे शक्तिहीन होता हर ताकतवर, सत्य की कमरबंद करता जो हरेक का मुख बंद, धार्मिकता का कवच परोसती हर शत्रु को निराशा की एक चम्मच, शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते और मुक्ति का टोप खलास करता सदा लोगों का कोप, जिसने की है विश्वास की ढाल धारण, बुझाना पाएंगे जिसे दुष्ट के अग्नि में वाण। एफेसियों के नाम सन पॉलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 14 से 17 तक। कहती है वो वीर बाला, भय नहीं मुझे अपमान और किसी दिग से, सह लूंगी यीशु के प्रेम से समस्त दिलो जान से, बड़े शान से हे बाप। डर नहीं मुझे, देख तेरे तेवर, हे माँ न डालूंगी अपने गले कोई जेवर, हे वीर बाला तुझे सलाम। नहीं थी वो शीतल मंद हवा, पर थी एक बवंडर, नीर शीर विवेकी, कभी ना की वो सरेंडर सिवाय अपने प्यारे प्रभु यीशु के सामने। वो थी मुख्तार की बेटी, पूरन प्रसाद की जेठी, एक आदिवासी बाला थी, सच्चाई की खोज में भटकती, तर्क करती, तहकीकात करती। सुना था जिसने छुटनापुर के प्रेरित लिबिन साहिब से, कहते हुए आग जलती रहे और खुद हो गई यीशु के प्रेम से प्रज्वलित। ऐसी थी छुटनापुर की वो सपूती, प्रेम सेवा समर्पण की एक कपूती। कहानी एक आदिवासी बाला मेरी बर्नादेत की है। 26 जुलाई 1897 को छुटनागपुर की माटी में उगा एक पौधा, संत अन्ना की पुत्रियों का धर्म संघ, जिसकी बीज जड़ और रूह है संस्थापिका ईश सेविका माता मेरी बर्नादेत प्रसाद किसपुट्टा। 16 अप्रैल 2024 ईश सेविका माता मेरी बर्नादेत प्रसाद किसपुट्टा की 63वीं पुण्यतिथि है, और इसी पवित्र और कृपा भरे दिन में मैं आप लोगों के लिए उनकी संक्षिप्त जीवनी प्रस्तुत करना चाहती हूं। अगर ये मादर लोग यीशु के प्रेम से अपने प्यारे बाप माँ भाई बहन मित्र और कुटुंबों को, हाँ अपने निज देश तक भी त्याग देकर हमारे इस दूर जंगली देश में आकर हम अनजान गरीब और नीच जातियों को इतना प्रेम दुलार करके हमारी आत्माओं को स्वर्ग में पहुंचाने के फिक्र से दिन रात इतनी मेहनत किया करती हैं, तो क्या हम लोग भी इन्हों के सुंदर नमूनों के अनुसार अपने देश और जातियों की भलाई के लिए नहीं करेंगे? और ये कथन है उनके द्वारा लिखित संस्मरण पृष्ठ संख्या 3 से, एक जबरदस्त प्रेरणा या मूल प्रेरणा जिसने पूरे छुटनागपुर में बदलाहट की एक नई जान फूंक दी। क्या नाजरेत से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है? कुछ ऐसी ही बात थी। क्या सरगांव से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है? सरगांव एक छोटा एवं साधारण गांव जिसने एक संस्थापिका को दिया, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित यह सुंदर गांव, प्राकृतिक छटा से शोभायमान सरगांव कोयल नदी के दक्षिणी किनारे बसा है, और यह हमारे झारखंड राज्य की राजधानी रांची से 32 किलोमीटर पश्चिम और मांडर प्रखंड से 6 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। सृष्टिकर्ता ईश्वर ने लूथरन दंपति पूरन प्रसाद और पॉलिना की गोद में 2 जून 1878 को एक पुत्री रत्न प्रदान किया था, और जन्म देने के कुछ ही समय बाद मां की मृत्यु हो गई। अतः नन्ही बच्ची की देखरेख के लिए पिता पूरन प्रसाद को दूसरी शादी करनी पड़ी। दूसरी पत्नी का नाम मार्गरेट था। बपतिस्मा में बच्ची का नाम क्रीस्त आनंदित रूथ दिया गया,
कुछ वर्षों बाद उनकी सौतेली माँ ने सुशीला नामक एक छोटी बहन को जन्म दिया। यद्यपि उनके पिता क्रिस आनंदित को बहुत प्यार करते थे, फिर भी उन्हें लगने लगा कि वे उन्हें कम प्यार करते थे। इस कारण वह कुछ गुमसुम सा रहने लगी। अतः उनके पिता ने के एक सलाहकार जर्मन पादरी ने उस बच्ची को अपने पास लाने की सलाह दी। 5 साल की उम्र में पूरन प्रसाद अपनी बेटी को उसके घर लेकर आए। क्रिस आनंदित रूथ जब घर आती थी तो गांव के लोगों की बातें बड़े ध्यान से सुनती थी, और विशेषकर जब वे जमींदारों के लूट खसोट और रैयतों पर किए गए अत्याचारों की चर्चा करते थे। उस वक्त बुजुर्गों से दिल दहलाने वाली बात सुनकर वह भय तथा आश्चर्य से भर जाती थी। उस समय पूरा छोटा नागपुर जमींदारी प्रथा की चपेट में था। कर देने में विलंब होने पर डांट फटकार के साथ डंडे की मार खानी पड़ती थी हमारे गरीब भाई बहनों को। गरीब आदिवासियों का जीवन भय से भरा था। यहां रूथ के पिता पूरन प्रसाद के बारे कुछ कहना उचित जान पड़ता है। वे लूथरन मंडली के एक बहुत ही प्रभावशाली एवं सम्मानित व्यक्ति थे। लूथरन बोर्डिंग स्कूल में 4th क्लास तक उनकी पढ़ाई हुई थी। इसके बावजूद वे मुख्तार के ओहदे के योग्य ठहरे। वह अपने इस पद के कारण फादर कॉन्स्टेंट लीवंस यीशु संघी के साथ जमीन संबंधी मामलों को लेकर कोर्ट कचहरी आया जाया करते थे। फादर लीवंस के उपदेशों से प्रभावित होकर कभी कभी थड़पकना रांची के कैथलिक गिरजाघर में प्रार्थना के लिए जाने लगे, जिस कारण बड़े पादरी ने दंड स्वरूप पूरन प्रसाद को अपने कैंपस में निर्मित डेरे से निकाल दिया। पूरन प्रसाद ने फादर लीवंस के सामने कैथलिक विश्वास को ग्रहण करने की बात रखी। इस तरह रूथ को छोड़ चाचा चाची सहित पूरा परिवार रोमन कैथलिक कलीसिया में दीक्षित हो गया। कैथलिक बपतिस्मा में पूरन प्रसाद को पॉलुस, सुशीला को सिसिलिया, चचेरी बहन कृपा को बेरोनिका नाम दिया गया। लूथरन स्कूल के हॉस्टल में रहने के कारण क्रिस आनंदित रूथ को यह बात नहीं बताई गई। उसे अपने परिवार के रोमन ईसाई बन जाने का बहुत दुख हुआ। उसने शर्मिंदा के भाव से जर्मन मीम साहब के पास दृढ़तापूर्वक कहा कि वह लूथरन धर्म में ही रहेंगी। जब कभी स्कूल से अवसर पाती वह अपने माँ बाप के पास जाती और उन्हें बुजुर्गों की तरह समझाती थी। इसके लिए वह सारी लूथरन मंडली के सामने क्षमा मांगने की नसीहत भी देती थी। संयोग से एक दिन ऐसा हुआ कि जब वह घर में थी तो कुछ कैथलिक फादर लोग उनके यहाँ आए। यह सोचकर कि वे जबरदस्त उसे कैथलिक बनाएंगे, वह घर के एक मोरा कोने में जा छिपी। वह चुपचाप से कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगी। उसके ऐसा कहने का मतलब था, ऐसा करने का मतलब था कि वह स्वयं परख कर देखें कि ये लोग, इन लोगों का कहना सही है या गलत। पर उसने अनुभव किया कि वे तो बहुत ही आदरणीय, कोमल, मधुरभाषी तथा मिलनसारी हैं। वह मन में सोचने लगी कि वह आगे और भी बारीकी से इसकी जांच करेगी। बर्नादेत के जीवन में एक बड़ा यू टर्न आया जिसने उसके जीवन में नई दिशा दी। क्रिस आनंदित रूथ ने अनायास प्रोटेस्टेंट गिरजा जाना बंद कर दिया। बहुत सोच विचार करने के बाद एक दिन वह पवित्र मिसा के लिए कैथलिक गिरजा घर गई। वह लूर्द के निष्कलंक मरियम की मूर्ति पर दृष्टि डालकर मोहित हो गई, मानो लूर्द की माता मरियम रूथ नामक छोटी बर्नादेत को दर्शन देकर हौले से उसका नामकरण कर उसे कह रही हो कि तुम्हारा नाम भी बर्नादेत होगा। वह स्वयं कहने लगी कि यही धर्म सच्चा है। और उसी दिन से उसने अपने मन में यह ठान लिया कि वह अवश्य कैथलिक विश्वास स्वीकार करेगी। और 2 जून 1890 को क्रिस आनंदित रूथ स्वेच्छा और बड़ी खुशी से लॉरेटो कॉन्वेंट स्कूल में भर्ती होने के लिए तैयार हो गई। 31 जुलाई 1890 को उसे बपतिस्मा और पवित्र परम प्रसाद संस्कार दिया गया। इससे इत्तेफाक ही कहें कि उसका कैथलिक नाम
भी मेरी बर्नादेत रखा गया। 21 फरवरी 1892 को कलकत्ता के महाधर्माध्यक्ष पॉल गुथल्स के कर कमलों से बर्नादेत को अपने पिताजी के साथ दृढ़ीकरण संस्कार दिया गया। धर्म सिंह बुलाहट की अग्नि परीक्षा। कहा जाता है आग की भट्टी में सोने की परख होती है। उस समय बर्नादेत कोई 14-15 वर्ष की रही होंगी, मतलब उस समय के लिए शादी की उम्र हो चुकी थी उनकी, परंतु वह हमेशा विवाह करने से इनकार करने लगी थी। तब परिवार वालों को किसी शुभ चिंतक ने एक सलाह दी कि उस लड़की को वैवाहिक जीवन की ओर उन्मुख करने के लिए कुछ गहने देकर उसके मन दिल को शादी के लिए तैयार किया जाए, और सुनार को अपने घर किसी दिन आते देख बर्नादेत शीघ्रता से बगान के झाड़ी में छिपकर जोर जोर से रोने लगी। और उसी समय सलोमी नामक एक बूढ़ी माँ लकड़ी चुनती हुई वहां पहुंची। उसने उससे कहा, बर्नादेत ने उस बूढ़ी माँ से कहा, माँ मैं गहने पहनना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि उससे मेरा दिल और मेरी आत्मा दुनिया की ओर झुककर अंत में बर्बाद हो जाएगा। लोग माता बर्नादेत के माता पिता को चेतावनी देकर कहने लगे कि वे अपनी बेटी को समझाएं। वे कहते थे कि यह तो केवल 20-30 वर्षों में ही केवल संभव है कि आदिवासी लड़कियां कुंवारी रहें। फादर लोग भी लड़कियों के स्कूल में लड़कों को भेजते थे कि वे उन्हें पसंद करें और शादी करने के लिए तैयार हो जाएं। एक दिन जब रूथ से न रहा गया तो उसने निडरता पूर्वक मदर से अपने मन की बात कहने लगी कि वह विवाह नहीं करना चाहती है, अतः वे उन्हें लड़कों के पास न लाएं। जब उनके सब प्रयास निष्फल रहे तो अंत में उन्होंने कलकत्ता के आर्चबिशप पॉल गुथल्स के पास पत्र लिखा कि लड़कियों की इस हठ धर्मिता के कारण मिशन का काम ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, और यदि लड़कियां शादी नहीं करेंगी तो अन्य माता पिता भी डर के मारे अपनी बेटियों को स्कूल भेजना बंद कर देंगे। अतः फादरों ने महाधर्माध्यक्ष से यह निवेदन किया कि जो जो लड़कियां शादी नहीं करना चाहती हैं वे स्कूल से निकाल दी जाए, भेज दी जाए। और ऐसी खबर पाकर आर्चबिशप पॉल गुथल्स ने यथाशीघ्र यह फरमान निकाला कि जो जो लड़कियां इस मिजाज की हैं वे स्कूल से निष्कासित की जाएं। और इस तरह बर्नादेत, सिसिलिया, वेरोनिका और मेरी स्कूल से निकाल दी गई। अनायास कुछ समय बाद आर्चबिशप ने मनरेसा के बड़े फादर को पत्र लिखकर उन्हें पुनः स्कूल में भर्ती करने का आदेश दिया। इस तरह वे पुनः मदरों के साथ रहने और विभिन्न कार्य करने लगी। वे कई प्रकार के कार्यों में लगाई गई, जैसे लड़कियों को पढ़ाना, रोगियों की सेवा करना, अंतिम घड़ी रोगियों को संस्कारों के लिए तैयार करना, मृत शरीर को साफ सुथरा करना तथा अन्य काम। यह काम बहुत सहज नहीं था। उसके बाद भी कुछ समय बाद शादी की दिक जारी रही। घर वाले बर्नादेत को शादी की बात को लेकर फिर उससे परेशान करने लगे। उनके रिश्तेदारों ने कट्टर प्रोटेस्टेंट घराने के धनी और शिक्षित युवकों को चुन लिया। उन्होंने इसके लिए मनरेसा के फादरों से मिलकर महाधर्माध्यक्ष से अंतर धार्मिक विवाह के लिए भी अनुमति ले ली थी। एक दिन बर्नादेत ने अतिथियों की भीड़ के सामने स्पष्ट रूप से कहा कि वह शादी नहीं करेंगी, भले ही वह अपने निर्बुद्धि के कारण सिस्टर न बन पाएंगी, पर कुमारी रहकर मदरों की सेवा अवश्य करेंगी। और इस पर रिश्ते का एक बड़ा भाई बर्नादेत को धक्का देने, थप्पड़ मारने और उनके कानों को खींचने लगा। बर्नादेत की ढिठाई देखकर पिताजी दुखित और नाराज हो एक कमरे में जाकर रोने लगे, क्योंकि समाज के सामने यह उसकी बेइज्जती थी। थोड़ी ही देर बाद वह कमरे के अंदर से गरजते हुए कहने लगा कि लड़की को समझाइए, अन्यथा वे अपने ही हाथ से उसे गोली मार देंगे और अपना जीवन भी दे देंगे। और यह सुनकर लोगों ने कमरे से बंदूक और 2 पिस्तौल छिपा दिया। पूर्ण प्रसाद अपने पर काबू न कर पाए और अचानक अपने हाथ में एक चमकती तलवार लिए बेटी को दौड़ाने लगा।
उन्होंने बर्नादेत के लिए तुरंत दरवाजा खोल दिया। उन्होंने मतलब उनकी माँ और अन्य माताओं ने, जिससे वह निकल पाए। पिता को लोगों ने शक्ति भर पकड़ कर रखा। तब तक बर्नादेत काफी दूर निकल चुकी थी। बर्नादेत घर से भागती भागती लोरेटो मदरों के पास कॉन्वेंट पहुंची। उसने गिरजे में पवित्र सैक्रमेंट के सामने घुटनों के बल गिरकर रोती हुई यीशु का धन्यवाद किया। लोरेटो मदरों ने जब पूरा वृतांत सुना तो वे अवाक रह गई कि उसे इतना साहस कहां से मिला। सन 1895-96 की बात है, जब पूरे देश में महामारी का भयंकर प्रकोप आ पड़ा था। हैजे के साथ भूखमरी भी आ पड़ी थी। स्थिति इतनी बदतर हो गई थी कि कभी कभी रास्ते में या खेतों की पगडंडियों में गिरकर लोगों की मृत्यु हो जाती थी। सेंट जॉन स्कूल में फादरों की संख्या उस समय बहुत कम थी। अतः कुछ समय बाद आर्चबिशप ने लोरेटो मदरों को आदेश दिया कि वे इस काम में फादरों की सहायता करें। भयंकर महामारी ने स्कूल को भी अपने चपेट में कर लिया था। छात्रावास की कई लड़कियां इस कारण काल के गाल में चली गई थी। अतः स्कूल बंद कर सभी लड़कियों को घर भेज दिया गया। केवल बर्नादेत, सिसिलिया, बेरोनिका और मेरी, ये चारों अपनी राजी खुशी से मदरों की मदद करने हेतु बोर्डिंग में रह गईं। चारों लड़कियां मदरों के साथ घूम घूम कर दवा, चावल, दाल, कपड़ा, चटाई इत्यादि बांटती थीं। आज के शब्दों में हम कहेंगे रिलीफ वर्क। अपनी ही माटी में खिला एक सुंदर फूल। सन 1897 को महामान्यवर आर्चबिशप पॉल गुथल्स ने एक नया धर्म समाज, संत अन्ना की पुत्रियों का धर्म संघ रांची की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी। और इस तरह 26 जुलाई 1897 को रांची में चार आदिवासी बालाओं, माता बर्नादेत, सिसिलिया, बेरोनिका और मेरी के द्वारा इस नए धर्म संघ की शुरुआत हुई। माता मेरी बर्नादेत प्रसाद की सुपुत्रा इस धर्म संघ की संस्थापिका बनी। और इस खुशी के दिन में बर्नादेत और सिसिलिया के पिताजी पूरण प्रसाद ने भी अपनी बेटियों से मेल मिलाप कर लिया तथा गाजे बाजे के साथ सब परिवार एक बड़ा भोज और उत्सव मनाया। चारों धन बहनों ने 8 अप्रैल 1901 ईस्वी को फादर ब्रिसियस म्यूलमन येसु संघी के सामने प्रथम मन्नत ग्रहण की और 26 जुलाई 1922 को धर्म संघ की स्थापना का 25वां वर्ष पूरा हुआ। 27 मई 1926 को बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ माता मेरी बर्नादेत और माता सिसिलिया की धर्म संघी रजत जयंती भी मनाई गई। सन 1947 में जब संपूर्ण भारतवर्ष अपनी आजादी की खुशियां मना रहा था, उस वक्त संत अन्ना की पुत्रियों का धर्म संघ अपनी स्वर्ण जयंती की तुरहियां फूंक रहा था और माता बर्नादेत और माता सिसिलिया ने इस सुनहरे दिन को अपनी आंखों से देखा। माता बर्नादेत करीब 26 वर्षों की अपनी बीमारी और शारीरिक कमजोरी रूपी क्रूस को यीशु के प्रेम से ग्रहण किया। अपने इलाज के दौरान जब उसे 6 महीनों तक होली फैमिली अस्पताल मांडर में रहना पड़ा था, तो उन दिनों अस्पताल की प्रशासिका एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर सिस्टर बर्बरा एमएमएस ने उन्हें सलाह दी कि वह अपने तथा अपने धर्मसंघी बुलाहट के बारे कुछ लिखे, जिस कारण माता बर्नादेत ने अपने कमजोर हाथों से बिल्कुल सरल और उस समय की बोली जाने वाली स्थानीय हिंदी में कुछ 70 पृष्ठों में लिखा। उसकी ये हस्तलिपि बहुत ही सुंदर है। अपने जीवन के अंतिम दिनों में लिखी गई उसकी जीवनी आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, एक अमूल्य निधि और अत्यंत ही बेशकीमती है। 16 अप्रैल 1961 को माता मेरी बर्नादेत अपने प्रेमी प्रभु येसु की गोद में सदा के लिए सो गई। उन्होंने अपनी प्रार्थना, ममता, दुलार, सेवा, त्याग, तपस्या द्वारा संत अन्ना की पुत्रियों के धर्म संघ रूपी नन्हे पौधे को सींच कर एक वटवृक्ष के समान बनाया। चटनागपुर की इस महान विभूति का शत शत नमन। ईश्वर इस दिवंगत आत्मा को
उनके महान और भले कामों का इनाम अपने स्वर्ग राज्य में दी। माता मेरी बेरनादित पवित्र आत्मा के विशिष्ट वरदानों से विभूषित थी। उनका संपूर्ण जीवन ख्रीस्तमय तथा ख्रीस्त केंद्रित था। वे काम के बीच में छोटी तीर विनती कर बहनों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करती थी। वह ईश्वर तथा लोगों के प्रति सदा धन्यवादी रहती थी। वह हर दिन का पाप स्वीकार और परम प्रसाद को जीवन का अंतिम बार समझती थी। परम प्रसाद की तैयारी एवं धन्यवाद के लिए बहुत लंबा समय लेती थी। यीशु के साथ उनका बहुत ही गहरा संबंध था। उसने यीशु को अपने जीवन का सर्वस्व माना और उनका जीवन पवित्र आत्मा से संचालित था। पवित्र क्रूस के प्रति उसकी बहुत ही विशेष भक्ति थी और वो ध्वनि तेरी सुनता हूँ गीत अक्सर गाया करती थी और कहा जाता है कि मरते घड़ी भी उन्होंने यह भक्ति में गीत गाया। वह बचपन से ही विचारशील एवं सफल निर्णायक थी। वह एक मेधावी पहल करने और जमाने से पहले होशियार नारी थी। रेवरेंड फादर बॉडसन एस जे द हेडमास्टर ऑफ सेंट जॉन स्कूल रांची रॉट एट दैट टाइम दे आर गुड रिलीजियस नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द रिलीजियस हैबिट दे वेयर बट ऑल्सो बाय देर पाइटी देर जील देर डिवोटेडनेस देर ह्यूमिलिटी एंड देर मॉडेस्टी। इतने विशिष्ट गुणों से संपन्न हम अपने संस्थापिका माता की उपस्थिति संत अन्ना मूलमठ रांची में या मदर हाउस में करती हैं, जहां हमने उनके अवशेषों को रखा है और जहां हमें निरंतर उनके संरक्षण उनकी प्रार्थनाओं और आशीर्वाद की अनुभूति मिलती रहती है। अंत में ईश सेविका माता मेरी बेरनादित की 63वीं पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर आप सबों को खुश पर्व। पिता ईश्वर की आशीष आप सबों को निरंतर मिलती रहे। धन्यवाद। All my dear ones in Jesus, Mother Mary Bernadette's life has become a huge inspiration for many. Her pious deeds and her fortitude in the face of adversity have not only inspired the Catholic community, but the whole generation of tribals across central India. Mother Bernadette is known to be as someone who was a very dynamic, fervent, and a devout servant of Christ, her master. And she followed no one else but Christ alone. She lived an ordinary life with utmost devotion to Jesus, even in the midst of volatile, uncertain, complex, and ambiguous situations she came face to face with in her life. Veronica and Mary, the sisters, mirrored her unwavering faith, which gave a testimony that tears and trauma would not wear them out, but only bolster the resolve to make lifelong commitment to Christ and His universal mission. While going through her biographical sketch, one of the key moments that captivated and moved me was her tenacity, resilience, and defiance against an arranged marriage that was being planned for her by her family. She withstood her ground as she fought bravely to remain celibate and chaste for the rest of her life, which I thought was a fitting tribute to her undivided love and loyalty to Christ, her ultimate Lord and Master. This sentiment is beautifully echoed, wherein she undeniably states with great firmness, and I quote, "Grandmother, I don't want to wear any jewelry, for if I do, my heart and soul will become worldly and I will be lost forever."
And last but not the least, I would like to pay a loving tribute to Mother Bernadette for her selfless and dedicated service to those in the margins of our society. This beautiful human trait can be attributed to her from the fact that she and her companions, Mother Cecilia, Veronica, and Mary, lived in extreme poverty to extend the dedicated service to the poorest of the poor. They worked tirelessly among the poverty-ridden and famine-affected areas, offering not just a few plated of meager and moderate means for the people, but they became the very epitome of grace, beacon of compassion, through their extraordinary exhibition of humanity, sisterhood, and tender love. Service for Mother Bernadette was not just about random acts of charity and shallow activism, bereft of deep faith and contemplation, but it was all about seeing Christ among these people, reaching out to the downtrodden and abandoned with outstretched arms of love, compassion, and service. There's another outstanding moment worth pondering over, and that is from the life of Mother Mary Bernadette. She was nearing the end of her life, and she knew that the earthly journey was about to end. However, she decided to live every moment as if an additional gift from God, including the moments of immense pain and suffering. She kept her good spirit alive and morale always flying high, always reminding everyone around her that her suffering was really small and insignificant. In short, it was nowhere even remotely close to the suffering Jesus endured on the cross. Humble, graceful, selfless, grounded, and unassuming were the traits that Mother Bernadette and a first group of sisters were blessed with. And that, I think, is a fitting tribute and the legacy we are all celebrating, and the legacy we would all like to proudly inherit and inculcate from Mother Bernadette and her sisters. May Mother Mary Bernadette intercede for us all so that we may live a Christ-centered life and do better and better in whatever we do. Now, along with Sister Lalita, I would like to sing a few lines in Hindi dedicated to Mother Mary Bernadette. Mata Bernadette, Mary Bernadette, Mata Bernadette, Mary Bernadette, Sargao ki beti sansthapika, ईश सेविका, सरगाँव की बेटी संस्थापिका, ईश सेविका, करते नमन बारंबार, प्रेम से करते हैं हम जोहार जोहार, करते नमन करते हैं हम जोहार जोहार लोरेटो मदरों से पाए प्रेरणा जन जन की सेवा चाह करना घर द्वार तूने छोड़ दिया ये सुखी
यीशु के प्रेम से जीवन समर्पण कर दिया माता मेरी नादे मेरी बेनादे अपने प्यारे प्रभु यीशु को अपना तन मन दिल तूने दे दिया जीने मरने का वचन दे दिया यीशु के प्रेम से जीवन समर्पण कर दिया यीशु के प्रेम से जीवन समर्पण कर दिया माता बेर ना दे मेरी बेर ना दे माता बेर ना दे सेविका सरगाव की सिटी संस्थापिका ईश सेविका करते ना मन बार बार प्रेम से करते हैं हम जोहार जोहार करते ना मन करते हैं हम जोहार जोहार